विधानसभा क्षेत्र के जनता को शुभकामना देना चाहता हूँ। और जो रिंग रोड का मामला है, हम सदन के माध्यम से सरकार को घेरने का काम किया और हमने कहा है कि अगर रिंग रोड मनेर होकर भिट्टा और सरमेरा रोड में नहीं मिलता है तो हम पूरे सब पॉलिटिकल लोगों को, चाहे वो किसी पार्टी और धर्म के लोग हैं, मैं सबको कहूँगा कि सबकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा है और लोग की भी जिम्मेवारी है, सहभागिता होनी चाहिए। अगर जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ कि राजनीति से ऊपर उठकर और मनेर के विकास के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी आवाज़ के साथ हम हैं और हम भी आने वाले दिनों में हम काम करेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन है कल तक, दूसरा बार संक्रमित लोग काफ़ी हो गए हैं, इससे भी बचना है और निश्चित रूप से रिंग रोड को हम लोग मनेर होते हुए भिट्टा लाकर ही दम लेने का काम करेंगे, नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आदरणीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री महोदय से, हमारे प्रदेश के मंत्री नंदकिशोर यादव जी से हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि मनेर के लोग भी आप ही के लोग हैं। शेरपुर से जा रहा है कन्हौली, कोई बात नहीं है, लेकिन मनेर से भिट्टा भी इसका बनना चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू में लोगों ने कहा था, कार्यक्रम बना था कि नहीं मनेर हो के रिंग रोड जाएगी, बीच में पता नहीं क्या इस राजनीति के तहत मनेर को कट कर दिया गया। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितनी भी निंदा की जाए कम होगा। अपना नाम बता दीजिए सर। रामेश्वर यादव, लोकसभा नेता मनेर। रिंग रोड के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिंग रोड जो है मनेर विधानसभा का एक हक है, इससे मनेर विधानसभा के लोगों को, कोई भी सरकार हो, चाहे एनडीए का सरकार हो या यूपीए का सरकार हो या इस देश का किसी का भी सरकार हो, कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। एक जो होता है जन्मसिद्ध अधिकार है, जो मनेरों का रिंग रोड जो है इसका जन्मसिद्ध अधिकार था और है, और मनेर का रिंग रोड मिलना चाहिए, इसका हक है। इसके लिए जो भी हम लोगों को करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं, और हम लोग जो है मनेर की और बीटा के, मनेर विधानसभा में जो दो प्रखंड है, मनेर और बीटा, दोनों प्रखंड को रिंग रोड से वंचित किया जा रहा है। एक राजनीतिक रूप से जो है इसको समझिए कि हटाया जा रहा है, एक विशेष जाति बहुल क्षेत्र है, इस कारण इसको लोग विकास करना नहीं चाहते हैं। मनेर का रिंग रोड जो मुद्दा है, एक रोड नहीं है, इससे जो है मनेर की और बीटा की जनता का बहुत बड़ा जो है रोजगार का संसाधन इसे मिलने वाला है, एक डेवलप करने का एक जरिया स्थापित होगा। अगर मनेर को रिंग रोड से जोड़ा जाता है, बीटा को जोड़ते हुए आगे बढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए हम लोग जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किए हैं भारतीय मानवता पार्टी का लेटर पैड से, और इससे आगे भी हम लोग इसके बाद भी कार्रवाई करेंगे। आरटीआई के माध्यम से हम लोग जो है पूछने वाले हैं। मैं भारतीय मानवता पार्टी के तरफ से और आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं पूरा मनेर विधानसभा वासी को, जो भी लोग हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से हैं या सोशल वर्कर हैं, आम लोग हैं, सभी को इस रिंग रोड मुद्दा पे खुलकर के साथ देना चाहिए, चाहे वो अपना लेखनी के माध्यम से दे, अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से दे, या जो लोग दे रहे हैं उनके साथ आप कदम मिला करके इस आवाज़ को उठाइए, ताकि मनेर में जो है रिंग रोड यहाँ से होकर के गुजरे।